करता हूँ ऐड करके। ठंडा ठंडा गन्ने का जूस 10 रुपये गिलास पीजिए और गर्मी मिटाइए पेट की और हो जाइए तंदुरुस्त। यही मौसम है गन्ने का जूस पीने का। गन्ने का जूस पीने से पहले कुछ बातें ध्यान में रख लीजिए। एक तो जो मशीन है वो ढीली होनी चाहिए और मक्खियाँ ना मंडरा रही हों मशीन पे। और कोशिश कीजिए बिना बर्फ़ के पीजिए आप लोग, क्योंकि बिना बर्फ़ के पियेंगे तो बर्फ़ के साथ आधा पानी मिक्स हो जाता है। तो गन्ने का जूस जब भी पिए बिना बर्फ़ के कोशिश कीजिए आप पीजिए। बिना बर्फ़ के पियेंगे तो ओरिजिनल आपका साथ आपके अंदर जो गन्ने का जूस है वो टेस्ट ओरिजिनल मिलेगा आपको। और अगर बर्फ़ वाला पियेंगे तो आधा पानी होगा और 50% गन्ने का जूस होगा। तो कोशिश कीजिए बिना बर्फ़ के पीजिए, बेशक बाद में आप बर्फ़ डलवा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जब भी गन्ने का जूस की कुछ बातें ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू। दोस्तों ध्यान रखिए बिल्कुल, गन्ने के जूस में छोटी छोटी सी मिस्टेक हो जाती हैं, जब पीते हैं तो याद नहीं रहता कभी पहले। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब भी निकला हुआ जूस हो आप कोशिश कीजिए उसको ना पिए, जो और पहले का निकला हुआ अपने सामने आंखों के सामने ताज़ा ताज़ा निकलवाइए फ्रेश, और उस जूस को पीजिए ताकि आपके शरीर को जूस लगे। और अगर पुराना पी लेंगे तो बीमार होना निश्चित है। तो कोशिश कीजिए पुराना जूस ना पिए, फ्रेश जूस, नया जूस पिए एकदम आंखों के सामने निकला हुआ, जिससे आपको कोई बीमारी ना हो और गन्ने के जूस का पूरा फ़ायदा आपको मिल सके। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए नींबू डल रहा है, पुदीना, अदरक, सब चीज़ों का पूरा पूरा टेस्ट मिल रहा है आपको। और ये बहुत बेनिफिशियल है, गर्मियों में ये पीना चाहिए, लेकिन साफ़ सफाई देख के और बिल्कुल नीट एंड क्लीन आप गन्ने का जूस पीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बने रहिए, देखिए अभी तो वीडियो चल रहा है। और हाँ, प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब का बटन रेड कलर का नीचे आ रहा है, आप प्लीज उसे जरूर प्रेस कर दीजिए और हमारा सपोर्ट बुलाइए। थैंक यू दोस्तों। जग में था तो नहीं ना भैया। हाँ, फ्रेश देना, वो वाई कर जाता है ना, बात ये है।